Erudite brother Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Imtiaz, lecturer by profession. I have a question. I have gone through Noorun min Noorillah and second, Huwallazi ja'ala shamsu ziyaun wa kamaru noora and third, Allahu noor samawati wal ard. I couldn't understand what is this noor, please. भाई साहब ने कुरान में कई आयत कोट किए, आखिरी आयत जो कोट किया अल्लाह नूर समावाती वलर्द, वो सूरह नूर की आयत है, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 35, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह नूर समावाती वलर्द, कि अल्लाह सुभाना व ताला इस आसमान और इस धरती के नूर हैं। नूर एक अरबी लफ्ज है जो मैंने जिक्र किया सूरह फुरकान में सूरह 25 आयत नंबर 61 में, कि नूर के मानी रोशनी को रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्टेड लाइट, या मुनीर जो बोरो की हुई लाइट। नूर की मानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट को रिफ्लेक्ट करना। इसी तरीके से गैर मुसलमान पूछते उसका मतलब अल्लाह की रोशनी खुद की नहीं है, क्या किसी की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो आयत आपने जो कोट की आदि है, पूरी आयत बढ़ती है कि अल्लाह नूर समावाती, अल्लाह सारे आसमान और कायनात और धरती का नूर है। उसकी मिसाल ऐसी है कि एक मिसबा है, एक रोशनी है मिसबा लैंप, और लैंप के अंदर एक निच है, एक छेद है, और इस लाइट को यानी रोशनी पे अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप हैलोजन लैंप देखते हैं, हैलोजन लैंप, यहां तो हैलोजन लैंप, उसमें बल्ब होता है, उसके पीछे रिफ्लेक्ट करने के लिए एक सिल्वर कोटिंग होता है, तो बल्ब भी हैलोजन लैंप है और रिफ्लेक्शन भी खुद का है। तो रोशनी भी अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ताला की रोशनी खुद की भी है और खुद की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं सारे दुनिया में, आसमान में और धरती पे। वाखर दावान हंद्रबिलाल।